माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आजा कबीर, आना सगीर, आजा कबीर। ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया, अब हम लोगों का नहा धो करके रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं। जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आबा। थोड़ा बहुत शाम का टाइम है और इस जगह का जो मौसम का टेम्परेचर है, क्या तो क्या बोलना चाहेंगे? शाम का टाइम है और बाहर का मौसम एक नंबर है। क्या बोलते हैं बाहर का मौसम? डेढ़ लाख का चूना लगा सकती है। जैसे कि अभी हम पता है बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से रास्ते में अटक गए। आज भी हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, फेजियम पार्क लग रहा है लाइक कुछ घूमने उमने वाला बेहतरीन लग रहा है। कोई नहीं, हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, पक्का उधर कोई ना कोई होगा। प्लस शाम का टाइम, देखो बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कर लिया, आपसे मिलने अच्छा लगता है। मिलने में भाई, देखो खमीस मुसैद में भाई से मिला हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये बाकी खाना वाना बन रहा है, देखो तालिम ने बनाया है। इतने में ही बैठ, और सब ठीक है? चाय पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं या चा पी रहे हो? नहीं, कॉफी पी रहे हैं। कॉफी। और आज का टाइम है, ये सऊदी अरब का आभा खमीस मुसैद का एरिया है। और यहाँ पे देखो ये ट्रक चला रहा है, ये है तालिब। ठीक है तो तालिब, यहाँ पे कितना दिन हो गया तेरे को? अब है पहाड़ी, अब सच में पहाड़ी है। ये देखो रास्ते, ये देखो रास्ते भाई। आ जाओ खाना पीना खाते हैं साथ में। ये देखो ये बैठा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम है आप सबका ब्रांड न्यू वीडियो में। तो मैं हूँ इस वक्त आभा खमीस मुसैद में। आभा अभी यहाँ से 15-18 किलोमीटर है। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी, रात को मैं तालिब के पास आ गया, छोटे वाले भाई के पास में। इस टाइम शाम का टाइम है जो कि हम लोग अब निकलने वाले ऑफिस के लिए। तो वो रही हमारी गाड़ी और ये तालिब का घर है जो तालिब रहता है। इसी में लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया, अब हम लोगों का नहा धो करके रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं भाई। हमने आज काम बहुत सारे किए, चार वीडियो का काम किया है। जा रहे भाई ने आज आराम नहीं किया आपने? ना आपने सोए बहुत है। मैं तो नजर ही नहीं हिला है। उठा जा, इसी बैठे हैं। बाकी तालिब जो खाना बना रहा है, ठीक है, ये इसका रूम है। बाकी अभी है हम लोग एक दिन और इंशाल्लाह। बाकी अभी देखते हैं, आभा भी जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आभा। थोड़ा बहुत शाम का टाइम है और इस जगह का जो मौसम का टेम्परेचर है, क्या तो क्या बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, है ना? टेम्परेचर बहुत अच्छा, मतलब नए लोगों के लिए गर्मी का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। नए लोगों को इन्हीं एरिया में आना चाहिए। आज जब ठंडी आता था, जब एक बताइए, जब गेहूँ है तो घूमी पीसेगा। हाँ ये देख लो, ठंडा एरिया है, ठीक है। मैंने पता क्या सोचा था, खमीस मुसैद छोटा सा एरिया होगा, बट जब रात को मैं खाना खाने गया तालिब के साथ में मार्केट, घुमाऊंगा आपको, उधर ही सारे इस्तेमाल हैं, जहाँ सारे ऑफिसेस हैं, तब मुझे पता लगा कि नहीं भाई, यहाँ का आभा का जो सिस्टम है खमीस मुसैद का थोड़ा बड़ा है। बाकी चलो, ये तालिब की गाड़ी है और यहीं पर तालिब का कफील का घर है, इस तरह भी है, दिखाएंगे आपको प्रॉपर। भाई क्या खा रहे हैं आप? अंडा ब्रेड, आज हाजिरी लग गया है फाइनली। तो माशाल्लाह खमीस मुसैद, शाम का टाइम है और बाहर का मौसम एक नंबर है। क्या बोलते हैं बाहर का मौसम? माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, कोई जरा सी भी गर्मी नहीं है, जरा सा भी गर्मी नहीं है। एसी भी बंद है हमारा, एसी भी बंद है हमारा, हमने भी शीशा बंद किया वीडियो बनाने के लिए। और खमीस मुसैद माशाल्लाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे। शाम का टाइम है, जैसे कि पहाड़ में रहता है ठंडा ठंडा, ये देख लो, मजा आ रहा है हम लोगों को, सच में मजा आ रहा है घूमने में। बस जल्दी जल्दी कवर हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा। अपने पास टाइम रहेगा उधर से, हाँ उधर से टाइम रहेगा हमारे लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब तक आपने व्लॉग व्लॉग देखा है, बढ़िया से सारे व्लॉग देखे आपने अल्हम्दुलिल्लाह, तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, या अगर कोई भी सवाल जवाब रहे कुछ भी बाहर जाने से रिलेटेड लाइक ऑफिस से, तो अहमद भाई का इंस्टाग्राम भी है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो आपको सारी मदद प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ इनकी टीम है पूरी, वो आपको पूरी हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो। लाइक अगर कोई छुट्टी से भी आया है, हुरूप से भी आया है, वो कैसे जाएगा आएगा,
इनको ऑल इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी सही इन्फॉर्मेशन राइट। हमेशा याद रखना, गलत इन्फॉर्मेशन आपको 1 लाख 1.5 लाख का चूना लगा सकती है। जैसे कि अभी हम पता है बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से रास्ते में अटक गए। आज भी हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फेसेस किए हैं। क्या है ना, जब हम देखो होटल में रुक सकते हैं इजी तरीके से, लेकिन होटल में रुकना और ऐसे नॉर्मल तरीके से रुकने में अलग बात है। लोगों के बीच में रुकते हैं तो उनकी परेशानियां, उनके सब प्रॉब्लम्स पता चलते हैं। कि भाई अहमद भाई माशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है। और सबसे मेन डिस्कस जो हमने अब तक नहीं किया है, 10 से 12 वीडियो हो चुके हैं, बट हमने कहा कि चीप एंड बेस्ट वीजा स्टैम्पिंग। मैं बता दूं अहमद भाई का ऑफिशियली 5000 रुपीज। ऑफिशियली क्या 5000, क्या ऑफिशियली आपका क्या है? वीजा स्टैम्पिंग सर्विसेज जो हम देंगे दिल्ली मुंबई सबमिशन की, वो सिर्फ 5000 रुपए। ऐसा है कि ऑफिशियली बात बताऊं तो वीजा स्टैम्पिंग अगर सऊदी का कराते हैं या कुवैत का कराते हैं, हाँ। दो लाइसेंस इनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही ओल्ड है। वेलकम इंटरप्राइजेज इज द सिमसिम ब्रदर है भाई, साथ में बैठे हुए हैं और हम लोग मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल, और सारे एजेंट को 20 से धक्का देने के लिए। जो एजेंट 20 से पैसे खा रहे ना भाई, रास्ते क्लियर आपके सीधा। ये बोल के जावे भाई मेरे ऑफिस में भीड़ लगाएंगे पहले तो एजेंटों की। हम एजेंटों को परेशान नहीं कर रहे, ना हम एजेंटों को बुरा बोल रहे हैं। हम सिर्फ उन लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं जो लोग का सपना है कम से कम पैसे में सऊदी अरब जाना। कुवैत नहीं, कुवैत का जो होगा सो वो करेंगे, सऊदी अरब की बात हो रही है। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते लोग 1 लाख 1.5 लाख, देखो हम इस पर तफसील से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल अभी रोड क्रॉस करते हैं और सामने हमारे है मस्जिद। बहुत सारी डिस्कस बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सामने की मस्जिद कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाओ जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है यार कमीश मसैद की। और वहाँ सामने का नज़ारा कितना अच्छा है, मेला वेला लगा हुआ है कुछ, देखिए। हाँ हाँ यूटर्न आगे है ना, ये देखिए इसमें लोकेशन पे ही आगे है, ये नीचे से ऐसे घूम करके आएगा, हमें इस रास्ते से एकदम सीधा जाने का है। वो देखिए सामने कितना खूबसूरत लग रहा है, अम्यूजियम पार्क लग रहा है, लाइक कुछ घूमने उमने वाला बेहतरीन लग रहा है। कोई नहीं, हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, पक्का उधर कोई ना कोई होगा जो हम जाएंगे जरूर उधर। ये देखो माशाल्लाह क्या है, स्काईलाइन पार्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आते होंगे सब घूमने के लिए, पहाड़ को बना दिया इन्होंने घूमने के लिए, बेहतरीन कैफे वैफे, रेस्टोरेंट सब ऐसे ही रहेंगे, होटल पे कैफे। अब एक बात और हमें अच्छा लग रहा है कि सारी चीजें ना हमको जमीनी स्तर पे दिख रही है, हाँ, मतलब ग्राउंड लेवल पे सब चीज पता चल रही है। हाँ, एक तो हम हवा हवा में, जैसे कि कई लोग होते हैं ना, जैसे कि हम एग्जांपल अगर हम घूमने नहीं आते यहाँ पे और घूम घूम करके वीडियो नहीं बनाते या फिर हम लोगों से नहीं मिलते तो हमें ग्राउंड रियलिटी पता नहीं लगती। जैसे बोलते हैं ना एंकर साहब अपने इंडिया में रूम में बैठे हुए वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात होती है अलग है। खूबसूरत लग रहा है भाई, हम इस रास्ते पे आ गए, बाकी चलिए देखते हैं। नए लोगों के लिए हो या पुराने लोगों के लिए हो, काम हम ढूंढ रहे हैं अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया। और हमें एक चीज आइडिया लग चुका है कि नए लोगों को किधर की साइड बढ़िया रहेगा, जो कम ट्रैफिक वाले एरिया, हमेश मुशरत, आभा, ताइफ, अलबहा, ये सब नए आदमियों के लिए बहुत अच्छे हैं। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप बड़े सिटी में भी ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। छोटे सिटी में ये 1-2 साल 3 साल निकाल लेंगे, फिर बड़े सिटी में आकर के बढ़िया सैलरी उठाएंगे। लेकिन एक बात बोलूं, जो एक बार इन सब एरिया में आ गया वो जाएगा ही नहीं, वो दोबारा भाई बड़े सिटी में जाएगा ही नहीं। क्योंकि मैं खुद रियाद में गाड़ी चला रखा हूँ, दम्माम में गाड़ी चला रखा हूँ, मेरे से पूछोगे आई लव अलबहा, आई लव विशा, आई लव खमीस मुसैद, क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से सही है एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। माशाल्लाह तगड़ी बसावट है भाई, बहुत बहुत ज्यादा दूर दूर तक घर दिख रहे हैं, दूर दूर तक मामू भी दिख रहे हैं सामने वाला। तो माशाल्लाह शाम का टाइम देखो, बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया। हम आ गए हैं खमीस मुसैद की मार्केट में, बलद में, कल रात में हम लोग आए थे इधर, ये बलद है, बलद में ही लोकेशन दे रहा है हम लोगों को, पूरी मार्केट बसी हुई है इसमें। तो कहाँ है भाई,
बाप रे बाप, 10 रुपए किलो मिलता है, 20 रुपए किलो मिलता है ना। मैंने आपकी भाई माशाल्लाह हम काम से आए थे और हमें देखो कौन मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, कैसे है, खैरियत? क्या नाम हुआ? अब्दुल कय्यूम। कय्यूम भाई, कय्यूम भाई ने पहचान लिया, मैं गाड़ी में बैठ रहा था। मैंने छुट्टी मार दी, मैं जा रहा था बलक को। अच्छा, ये बोले इधर मसरी के पास सामान उतारना है। मैं उधर खड़ा था, मैंने उधर देखा आपको, मैंने आपको पहचान लिया, इसीलिए मैं आपसे मिला। अच्छा लगता है मिलने में भाई। देखो खमीस मुसैद में भाई से मिला हूँ, बहुत अच्छा लगता है मिलके। इंशाल्लाह कभी जरूरत पड़ेगी ना किसी भी काम की तो मैं फोन करूंगा। बिल्कुल, बाकी जो मैंने बताया वो सही है, अच्छा है, डायरेक्टली सही है। एजेंट तो खा जाते हैं बीच में, खा जाते ना पैसे, मस्त घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं। कॉस्मो लाइन, क्या मजे ले रहे हैं हम लोग, देखो मजे लिए, बहुत मजे लिए हम लोग ने, बहुत मजे लिए हैं माशाल्लाह, घूमते रहो। तो भाई आ गए लगभग ऑफिस, हमने कवर कर दिया, 90% कवर हो गए, एक बचा है तो देख लेंगे बाद में। वैसे एक ने कहा है कि कल आओ 4 बजे। नहीं, पूरा पूरा खमीस मुसैद, अभी आवा कल जाएंगे, बाकी खाना वाना बन रहा है, देखो तालिम ने बनाया है। इतने में ही बैटरी डाउन हो जाती है। अरे वो कौन सा सब्जी मंडी था, जा तो कल लेकर गया था पाकिस्तान वाले, उसमें दाम है पूरा है, पूरा लग रहा सब्जी मंडी की तरह उठा रहा आदमी। सब्जी मंडी नहीं है वहाँ पे, जो जैसे हम लोग काम करते हैं ना सवा खास में, जैसे काम करते हैं। अब कपिल जो है क्या करता है, पिछोड़ दिया है 2 घंटा के लिए, जाओ तुम लोग घूमने फिरने के, 2 घंटे में जो है ना वो 2 घंटे में कम से कम 200-300 रेल कमा लेता है। 200 में सब्जी उठाया, लाके बेच लिया। अब जिसका सब्जी है, जिसका सब्जी उसने, उसको 150 में दे दिया, हमको 150 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब हमने दे दिया उसको 150, 2 घंटे में 150 रुपए। देखो आ गए, कहाँ थे तुम लोग? अरे गए थे पानी लेने, ड्यूटी लग गई? नहीं, डीपी नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, जा थोड़ा चेहरा दिखा दूं इनके जैसा, गौर से देखिए इस आदमी को। हम 100 के पैसा लेते हैं, 100 के 100 कर तनख्वाह मिलता है मुझे, सऊदी देता है। कंटिन्यू रखते अभी, स्पेशली बताऊं इसका प्रॉपर एक व्लॉग बनाएंगे, इसका भी व्लॉग बनाएंगे प्रॉपर। ये है विशाल और ये है एक बार, सो रहे हैं तो पैसा दे रहा है। ये बनाया है हमारे ताली बाबू ने आज स्पेशल फॉर यू, स्पेशल खाना कोरिया से आया तो माशाल्लाह खाना पीना हो गया है। और देखो कौन कौन लोग आए हैं, ये देखो क्या नाम हो गया, आसिफ। और ये हैं हमारे फिरोज भाई, तालिब ने मुझे वीडियो कॉल पे बात कराया था। अब बाकी फिरोज भाई हैं राय बरेली से, है ना, बाकी सब लोगों का भी मीटिंग करेंगे, सब लोगों की भी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। अब कौन आया है? तो भाई ऐसा है, अभी तालिब के कुल से बातचीत हुई और यहाँ पे कुछ, ये देखो इसको, ये पारे पागल बना रखा है। करो तो कैसे कर रहे थे, ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग तो सीख नहीं पा रहा है, तो सिखा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये देखो, अरे देखो ऐसे करना है, ये देखो ये हाथ है ना, ये हाथ लिए, ये हाथ को यूं करेंगे, ठीक है, ये देखो बस खत्म, ये सीधा होना चाहिए, हो गया बस। सुबह हो गई है, ये व्लॉग पूरा कंटिन्यू रहेगा जब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। तो रात में सो गए थे आराम से काम कुम करके, अब सुबह हो चुकी है, निकलते हैं, चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तालिब गाड़ी स्टार्ट कर चुका है और आज हम आभा निकलेंगे इंशाल्लाह, है ना भाई, आज आभा में इंशाल्लाह काम। सुबह सुबह अगर ऑफिस खुल जाता तो हमारा काम जल्दी हो जाता, और क्या, एक दिन में निपटा देना, बट ऐसा है नहीं। चलो चलते हैं। तो देखो ये पेट्रोल पंप बन रहा है, और एक चीज़, ये जूट का वीज़ा भी निकला था, यहाँ पे इंडियन है ना, जूट का वीज़ा निकला था क्या? हाँ। कैफे रहता है ना, देखो ऐसे ही कैफे है, होटल टाइप से, रेस्टोरेंट टाइप से, पिछले महीने निकला था। हाँ, ये रेस्टोरेंट है, ये प्रॉपर ऐसे अपना काम करना है। सोचते भी लोग क्या काम करेंगे होटल में जा कर के, ऐसे ही करना है। हाँ, इंडियन है सारे, सारा कुछ, सैंडविच। और खैरियत है? वालेकुम सलाम, ठीक है, बढ़िया। देखो ऐसे ही अपना सब काम करना है, कुछ है नहीं।
आप लोग भी आओ तो ऐसे ही काम रहेगा सिंपल। अच्छा भाई नाश्ता करें जल्दी जल्दी, हम लोग इंतजाम कर रहे हैं यहाँ का है, मिल जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बात कर रहे सब, इंग्लिश तो हल्की बिल्कुल आती है सबको। और सब ठीक है, चाय पी रहे हैं, कॉफी चाय पी रहे हैं या चाय पी रहे हो? नहीं कॉफी पी रहे हैं। कॉफी। तो एक टाइम था जब हम छोटे थे, मैं छोटा था, भाई सब छोटे थे, हम लोग पापा के दुकान पे जाते थे अपना खाने पीना लेकर के। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि बाइक चला करके मैं दुकान जाया करता था, ये पीछे बैठ के आया करता था थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। एक दिन कभी चुपके से किसी की गाड़ी, जैसे कि पापा का ऑटो का काम था, तो गाड़ी लेकर के ये निकल गया ट्राई लेने के लिए। जब मैं वापस आ रहा था मालूम पड़ा मैं गया था ट्राई लेने के लिए, ले मेरा डर से हालत खराब, एक टाइम वो था। और आज का टाइम है ये सऊदी अरब का आभा खमीस मुसैद का एरिया है, और यहाँ पर देखो ये ट्रक चला रहा है, ये है तालिब, ठीक है। तो तालिब यहाँ पे कितना दिन हो गया तेरे को? ये 7 साल हो रहे हैं, 7वां साल चल रहा है। जब तू पहली पहली बार आया था तो गाड़ी चला के आया था वहाँ, कितना चला है, कौन सी गाड़ी चला रहा था वहाँ? वहाँ चला रहे थे बुलेरो पिकअप। कोई पिकअप? हाँ पेप्सी कंपनी वाला। तो वो भी तो उतना चलाया नहीं ना, हल्का फल्का ही चलाया था। ऐसे गाड़ी चलाने, एक नंबर पे गाड़ी चलाने के लिए अच्छे अच्छों की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि एक नंबर पे गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे वही गाड़ी चला सकता है जो फुल ऑन मतलब ड्राइविंग का पूरा मोड जानता हो, ब्रेक से लेकर के राइट से लेके लेफ्ट से लेकर के ऑल, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आती है उसका कुछ पता नहीं होता उसकी क्या स्पीडिंग है नहीं है। तो हमें ध्यान यहाँ से भी देना, शीशे से उस शीशे से भी ध्यान देना है, और इस शीशे से भी ध्यान देना है तो गाड़ी, और उसके साथ साथ स्पीड लिमिट का भी ध्यान देना है। अगर कोई नया आता है तो उसको कौन से रोड पर चलाना चाहिए? ये बीच वाले में चलाएं, 80 की स्पीड में है ये बीच वाला 80 का स्पीड है ये, 80 वाले में कोई दिक्कत कोई परेशानी रहना, पीछे वाला कोई भी गाड़ी आके आपको ना हॉर्न देगा ना कुछ देगा, आप आराम से बिंदास 80 की स्पीड चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो आप किसी भी एरिया में आते हो, गाड़ी चलाना बिल्कुल आसान है अगर आप नियम को फॉलो करते हो। वैसे भी यहाँ पे तुरंत गाड़ी नहीं देते, आपको स्कूल ले जाया जाता है, मदरसा ले जाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पढ़ाई होती है वैसे ही स्कूल में यहाँ की ड्राइविंग की पढ़ाई होती है, 15-20 दिन का क्लास होता है, इसके बाद ही आप यहाँ पे ड्राइविंग करते हो। क्योंकि सऊदी लोगों को भरोसा जब तक नहीं होता जब तक आपके हाथ में लाइसेंस नहीं आ जाता, अगर लाइसेंस आ जाए उसके हाथ में लाइसेंस बेफिक्र होकर दे देगा गाड़ी, है कि नहीं? ये है। तो चलो भाई देखो आभा में खमीस मुसैद में अगर आप मिलते हो तो ये तालीम मिलेगा आपको, वैसे यही रहता है। इसका कफील अच्छा है माशाल्लाह, 105 साल का कफील है इसका। इसके साथ साथ कफील के लड़कों से भी बातचीत किया हूँ, बहुत अच्छा लगा मिल करके। बाकी अभी सुबह सुबह नाश्ते के लिए आए थे हम लोग, घूम रहे हैं अभी रात में, रात कह रहा हूँ सुबह में, यहाँ पे लाइट जल रहा तो रात बोल रहा दिया मैंने। तो भाई रूम पे थे, थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए गए थे, इसका इंटरव्यू आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे और इसके खुद के चैनल पे, तो हमसे मिलने आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? वालेकुम सलाम। सकलेन भाई है माशाल्लाह रुदौली फैजाबाद से, और अच्छा लगा मिलके। यहाँ पर ड्राइविंग का काम कर रहे हो? जी सही है, 10 महीना हो गया। कितने सैलरी में आए थे? 1500। ठीक है कफील, अच्छा बढ़िया है। नया लोगों के लिए दो बात बोलो, कैसा रहेगा? बोले जो आना चाहते वो आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास है ना। चलो भाई आओ भाई काम करो। ड्राइवर की जो जॉब को ना सबसे लोग कहते हैं नहीं बेकार है नहीं, मेरा खुद का भाई देखो काम कर रहा है माशाल्लाह अपना लगा हुआ है। सही है, अगर कफील बढ़िया मिल गया तो एकदम ठीक ठाक है। कफील अच्छा मिलता कहाँ है, कफील को अच्छा बनाना पड़ता है। बनाना वो भी हाँ, ये भी बात है सबसे मेन बात ये है, ठीक है। बाकी चलो वो भी प्यास रहेगा। हाँ चलो फिर मिलकर अच्छा लगा आपको, ठीक है। 5000 देगा, 10000 देगा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे कबीर आना सगी हरा कबीर बोला बैठने के लिए चलने के लिए। सैयारा बोलो उसका काम पे जाने मौजूद। तो तालिब का कफील था जिसको आपने देखा है माशाल्लाह 105 साल का है। अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि 4 बजने वाला है। तो खमीस मुसैद में कल ऑफिस वाले ने कहा था कि आइएगा मिलिएगा, इसके बाद हम निकलेंगे आभा। तो इंशाल्लाह आभा अब निकल रहे हैं, आज आभा कवर कर लेना है। बाकी हमारी कार भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई आपका भाई आ चुका है आभा, आभा की मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। वाह ये देखो भाई ये देख लो, मुझे याद है यहाँ की बहुत सारी चीज़ें याद है, इसलिए मैंने कह दिया ना। चढ़ाई तो था नहीं कुछ खास, ठीक है मौसम भी ठीक है माशाल्लाह। ये देखो भाई अब हम लोकेशन पे जा रहे हैं, एक लोकेशन आई है हमारे पास में। तो भाई खमीस मुसैद में ये है कि थोड़ा सा ठंडा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर, बाकी यहाँ रोड्स भी हैं ऊंचे। सॉरी भाई आभा आभा ये बार बार खमीस मुसैद मुंह में आ जाता है। तो आभा में भाई तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, वो देखो वो रास्ते ऊपर
चलो ऊपर चलते हैं, अभी हमें ऊपर ही जाना है। अभा ABHA, ये देखिए भाई रास्ते, क्या बात है। अरे ये रास्ता वायरल है फोटो में। हाँ भाई अब है पहाड़ी, भाई अब है पहाड़ी, अब सच में पहाड़ी है। ये देखो रास्ते, ये देखो रास्ते भाई। अब आ रहे हो काम करने? कोई दिक्कत नहीं है, सारे रास्ते देख लो, मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही आराम से गाड़ी चलाने का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ी होता है ना, एक्सपीरियंस हो रहा है। सभी सारे गांव का है, सारे गांव नहीं भाई, शहर है ना। अब गांव कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बिंदास गाड़ी चलाओ। देख लो रास्ते दिखा रहा हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं है। देखो मैं 60 पे चल रहा हूँ, ये कोई नहीं 200-300 पे गाड़ी चलती है, 50-60-80 यही स्पीड है मेरी। आभा बहुत बढ़िया, माशाल्लाह भाई आपके आभा में पूरा घूम रहा हूँ। पता नहीं कौन कौन से एरिया में हम लोग घूम लिए हैं। हैं भाई बस चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं और चल ही रहे हैं, ठीक है। आभा कौन सा लोकेशन है भाई? सूख ऊख लग रहा है, मजे से घूम रहे हैं हम लोग। हैं घूमते चलो। तो जैसा कि हम आभा घूम रहे हैं माशाल्लाह, तालिब ने बताया था भाईजान पूरे आभा में सिर्फ एक ही अलबैक है, जो कि ये अलबैक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखो यही अलबैक है एक जो ऊपर में बना हुआ है, बाकी नहीं है। क्या बोले अलबैक खाने चले भाई? लाइन देखे, लाइन भाई, लाइन ही इतनी लंबी लगी है कि हम लोग को पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा। हैं तो भाई आवा खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो भाई हमने आवा खत्म कर दिया है, और पता है 98 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव किया मैंने, और मजा आ गया। अलबैग देख के मैं सोच रहा हूँ इतना दूर में अलबैग खाने कौन जाता है, तुम लोग जाते हो क्या? अलबैग अभी हम गई नहीं। हमको 10 साल में अभी दो ही बार गए वहाँ, बाकी देखो बच्चे लोग खाना बना रहे हैं। हदसुब सदीक, सलाम अलैकुम, हदसुब नफर मिस्र, माशाल्लाह, हरा हानी, अरे वाह तमाम, कैफ मिस्र कोयस भाई, अरबी सीखना है ना तो मिस्री के साथ रहना, तुम्हारी ऐसी की तैसी करेगा और सिखाएगा भी, वैसा ही डालते रहे जो गलत है उसको सही करके। तो हाउस ड्राइवर की जिंदगी छोटे से घर से शुरू होती है, छोटे से घर में खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। देखो अभी हम लोग खाना बना करके तालिब लाया है, और हमारा टाइम हो चुका है, खा पी करके कपड़ा वपड़ा धोएंगे। यहाँ देखो इधर भाई, सऊदी अरब का एक्सप्लोर करते करते मैं खुद एक्सप्लोर हो गया हूँ, क्योंकि देखो हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, सारा एहराम वगैरह सब कुछ अभी धोएंगे बढ़िया से। हाँ अहमद भाई खाना पीना खाएंगे, भूख लगी है, तेज लग रही है जब दिख रहा है तो भाई सामने और तेज, जल्दी खाइए भाई, जल्दी खाइए। अब ऐसे अकेले थोड़ी हवा पाएंगे। तो भाई बढ़िया खाना बना मरिया हो रहा है। आइए देखो ये लड़का जो है ना ये परेशान किए हुआ है। तो भाई पैकअप हो चुका है और निकलने का टाइम आ चुका है, तो हमारी कार सामान वामान अनलोडिंग हो चुका, पूरा लोडिंग। बाकी चल मिलते हैं फिर, ठीक है? चल ठीक है, ओके अब निकलते हैं।